अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग मफ़िन को लेकर आए हुए हैं पार्क में, और मफ़िन को ये हार्नेस पहनने की आदत नहीं है, गले में स्ट्रैप और बेल्ट की आदत नहीं है, तो जैसे ही पहनाइए बड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। और हमारे साथ सूजी और जैनी भी आए हुए हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी। आज मैं अपना चैनल चेक कर रही थी तो मैं देख रही थी कि 90% लोग इस तरह के हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विदाउट सब्सक्राइब किए वो मेरा चैनल देखते हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों ने तो जस्ट एक बटन क्लिक करना होता है, एक बेल आइकॉन दबाना होता है आपने, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, हम यूट्यूबर्स के लिए। सो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो मफ़िन हमारे साथ आया हुआ है, और सूजी और जैनी जो हैं, बहुत सारे लोगों को पहले पता होगा, बहुत सबको नहीं भी पता होगा, तो ये स्ट्रेट डॉग्स हैं और ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, और मतलब हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और हम लोग इनको खाना देते हैं, तो ये हमारे साथ एनिमल्स जो हैं वो तो इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं कि इनको खाना देने की वजह से बस इनको लगता है कि हम ही इनके ऑनर्स हैं। तो जैसे ही हम कहीं बाहर निकलें या वॉक के लिए कहीं जाएं, तो ये हमारे साथ पीछे पीछे आ जाते हैं। और वेदर चेंज हो रहा है, तो इसलिए इस टाइम गर्मी भी अब नहीं फील होती, बिल्कुल नहीं लगती है। अच्छा, और मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दूं। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं मेरी वीडियो पे कि हमने कैट परचेज करनी है या हमें किटन चाहिए, तो आप हमें बताएं हम कैसे आपसे ले सकते हैं या आप हमें दे दें। एक्चुअली मैं कैट्स अपनी ज़रूर सेल करती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से यूट्यूब पे नहीं कर सकती सेल, क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, इस YouTube की लाइफ के अलावा भी हम लोग की एक पर्सनल लाइफ होती है, और मैं अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना एड्रेस वगैरह मैं आप नहीं शेयर कर सकती। तो काइंडली मैं जिनको, जो मुझे ये मैसेज करते हैं और मैं उनको रिप्लाई नहीं करती, तो आप प्लीज़ माइंड ना करें और मेरी इस बात को समझें। और दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ना हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं आउट ऑफ सिटी से, और जब आउट ऑफ सिटी कैट उन किसी ने लेनी होती है, तो वो हमें कहते हैं कि आप हमें ना कार्गो करवा दें, आप हमें भिजवा दें, ठीक है, बस के थ्रू या डेवो वगैरह पे आप हमें सेंड कर दें। तो एक मैं आपको बात बताऊं, कैट्स या पेट जब भी आप डेवो के थ्रू या कहीं किसी गाड़ी के थ्रू भिजवाते हैं, वो इनको नीचे जहाँ पे वो बैग्स और लगेज रखते हैं ना, वहाँ पे कैट्स को रखते हैं, और कैट्स को बहुत सफोकेशन होती है, कैट्स कभी भी इतनी बंद जगह पे नहीं रह सकती। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह से कैट किसी को नहीं भिजवाई, कभी भी नहीं भिजवाई है कैट। जो लोग मुझसे कैट्स लेते हैं, अगर किसी ने आउट ऑफ सिटी से भी लेनी होती है ना, तो वो खुद मैं कहती हूँ कि आप आएँ और आकर लेकर जाएँ खुद अपने हाथ में, वो अपनी कार पे, अपनी कन्वेंस पे आते हैं, क्योंकि मैं अपनी कैट्स, अपनी मेरी हो या कोई भी कैट्स हो, मैं किसी भी किस्म के कैट्स या मैं कोई भी एनिमल्स जो है, मैं उनके ऊपर उनको स्ट्रेस नहीं दे सकती, मैं उनको उनकी तकलीफों से बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं आउट ऑफ सिटी कैट सेल नहीं करती। मोस्टली मैंने अपनी कैट्स जो हैं ओकाड़ा में या ओकाड़ा से जो पास पास सिटीज़ हैं वहाँ पे दी हैं मैंने कैट्स, क्योंकि लोग आते हैं और आके ले जाते हैं। और YouTube पे मैं इसलिए नहीं सेल कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरा एड्रेस सबके पास जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि इस तरह से मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो। तो अगर जिन्होंने कैट्स लेनी है, आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, YouTube पे भी कितने, सॉरी YouTube कह रही हूँ, Facebook पे कितने पेजेस हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाती हैं कैट्स, या फिर OLX जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ से कैट मिल जाती है, और आपको अपने सिटी के पास से या आपका जो भी नियर बाय जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ से आप खुद जाके देख कर कैट ले सकते हैं। इवन कैट जो है ना, कैट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कि जो लोग अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं OLX में भी क्या करते हैं, कि वो डबल कोटेड कैट को ट्रिपल कोट करके सेल कर रहे होते हैं, या ब्रीड कोई और होती है उसको पर्शियन कह के सेल कर रहे होते हैं। तो इस पर मैं एक इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो आपको आई होप इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। और अब मफ़िन एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मफ़िन को बिल्कुल बेल्ट की आदत नहीं है गले में, और वो अब कह रहे कि मुझे उसको खोल दो और मैं भागूँ।
अभी बस हम मफ़िन को घर लेकर जाएंगे, क्योंकि मफ़िन की अब बस हो गई है, मफ़िन और यानी रुक रहा, अब वो घर जाना चाहता है, लेकिन उसने बाहर आके बहुत इन्जॉय किया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, द कैट्स प्लैनेट के नाम से हमारा इंस्टा हैंडल है। और मेरे दूसरे चैनल को रिदा फुज़ैल व्लॉग्स को भी आप काइंडली उसको भी सब्सक्राइब करें, ये सब लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप इजीली आपको वो चैनल और मेरे इंस्टा हैंडल्स का पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।